अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ गर्ल्स। कैसे हैं माय यूट्यूब फैमिली? उम्मीद है आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब लाजमी करें, मेरी वीडियो को फुल वॉच करें। आज मैं आपको डिस्काउंट आवर अजीज़िया मक्का का विज़िट करवाऊंगी, आप मेरी वीडियो को फुल वॉच किया करें और मुझे कमेंट में लाजमी बताया करें आपको मेरी वीडियो कैसी लगी और मैं अगली वीडियो किस पर लेके आऊँ। मैं आपको मक्का के हर जगह की विज़िट करवाऊंगी, जो सारी ज़ियारतें होंगी वहाँ की और मैं आपको विज़िट करवाऊंगी। तो ये 5 रियाल की तस्बीह थी, ये वैसे 5 और 11 रियाल का मोल है। यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जो जिनके अलग प्राइस है, जैसे ये स्ट्रेटनर है, ये है 223 रियाल का। ये कुछ चीज़ें हैं जो इनकी डिफरेंट प्राइस है। अब ये 5 रियाल का पैकेट है, ये नेल्स हो गए, ये सब 5 रियाल के हैं। ये नेल पेंट का पैकेट है, इसमें 6 है, ये भी 5 रियाल का है। ये आई थिंक 30 रियाल की है और ये ज्वेलरी जो है ये 11 रियाल का है। इसमें रिंग्स हो गई, ब्रेसलेट हो गई, ये 5-5 रियाल के हैं। और मुझे एक चीज़ समझ नहीं कि ये ब्रेसलेट एक साइड पे के राखी है, ये समझ नहीं मुझे आ रही कि ब्रेसलेट है कि क्या है। ये भी 5-5 रियाल की हैं। रिंग्स हैं, 3 रिंग्स हैं। ये पिंस के पैकेट्स हैं। यहाँ पे मैं अपनी भांजी को याद कर रही थी कि मेरी सिस्टर है, उसको बहुत शौक है पिनों का ना, तो वो अपनी बेटी के लिए इतनी प्यारी प्यारी पिने लेके आती है। तो यहाँ मैं अपनी मम्मी से ये बात करी थी कि अगर वो यहाँ पे होती ना तो अपनी बेटी के लिए सारी लेके जाती है पिन्स। तो ये कैचर्स थे 6 रियाल का, ये 5 रियाल का था। ये मुझे बहुत अच्छा यहाँ पे लगा, नलकी का पूरा सेट बनाया हुआ है। यहाँ पर ये जार बहुत अच्छे लगे हैं, ये 5 रियाल का जार का पैकेट था, उसमें 3 है आई थिंक, ये पता नहीं 6 हैं। ये चटनी डालने के लिए कुछ छोटी छोटी सी हैं, ये भी 5 रियाल की हैं। कुछ 6 का पैक है, वो भी 5 का है। कुछ 3 का है, वो 5 का है। ये भी छोटे छोटे जैसे रायता डालने के लिए है, ये 3 है, ये भी 5 का है। ये डिस्पोजिबल्स हैं, ये डेकोरेशन की बहुत प्यारी मुझे लग रही थी यहाँ पे, 5-5 रियाल की थी ये। यहाँ से बंदा ले जाए अपने घर के लिए डेकोरेशन के लिए चीज़ें, बहुत अच्छे अच्छे फ्लावर्स थे यहाँ पे। जिनको ये डेकोरेशंस का शौक है वो लेके जाते होंगे। ये केक का था, पैनकेक्स का था, ये 5 रियाल का। यहाँ पे बहुत सी चीज़ें थी अच्छी अच्छी, 5-5 रियाल की थी। ये ट्रे थी भरी सी, ये भी 5 रियाल की थी। ये बाउल्स है छोटे से। ये कूलर मुझे बहुत यूनिक सा लगा, इसका तो मैंने फर्स्ट टाइम देखा, ये भी 5 रियाल का था। यहाँ पे ये टिश्यूज़ रैप्स, ये सब 5-5 रियाल के थे। ये केक रखने के लिए था, ये भी 5 रियाल का। ये किचन की, ये भी 5 रियाल का पैक था। इसको गुच्ची कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, ये भी 5 रियाल का था। ये डेटॉल, ये सब एवरीथिंग यहाँ पे 5 का था। बस कुछ थे जो जिनकी अलग प्राइस थी, ये कुछ डिस्काउंट पे लगा हुआ था, इन पे कुछ स्पेशल ऑफर थी, तो अगर हम कोई एक चीज़ ले रहे हैं तो उसके साथ गिफ्ट मिलना था। ये ग्लासेस आ गए छोटे छोटे, ये भी 6 का पैक था, 5 रियाल का। ये भरे मगे, ये 1 था, 5 रियाल का।
यहाँ पे जो कावा होता है वो छोटे छोटे कपों में लेते हैं ये लोग, ये कैटल्स थे। ये पत्थर का वो था बाउल, ये भी 5 रियाल का, मुझे ये बहुत अच्छे यहाँ पे लगे हैं, बट हम यहाँ से पाकिस्तान लेके जा नहीं सकते, टूट जाएंगे रास्ते में। ये चीनी के बॉल थे 2, ये भी 5 रियाल के थे। ये उठा रहे से तो पता लग रहा था कि जैसे पत्थर का सेट है ये। एक प्लेट 5 रियाल की थी। ये मुझे ट्रे भी एक बहुत अच्छी लगी। ये ट्रे बहुत हल्की थी, ये पता लगा, इसकी चीज़ की समझ नहीं आई कि क्या चीज़ है। अगर किसी को पता है तो ज़रूर कमेंट में बताया कि क्या चीज़ है। ये था 80 रियाल का प्रेशर कुकर। ये भी बहुत मुझे अच्छा लगा, डेकोरेशन टाइप बंदा टेबल पे लेके रख ले, कोई चीज़ डालने के लिए, खजूरें हो गई, चॉकलेट्स हो गई, ये चीज़ें डाल के कोई मेहमान आए तो उन्हें सर्व करें आगे। एक यहाँ पे ये बहुत मुझे प्यारा लगा, कुरान पाक है बना हुआ, ये 120 रियाल का था। ये डेकोरेशन टाइप है, ये बहुत प्यारा लगेगा अपने घर में, टेबल के ऊपर रखें या टीवी के पास रखें। ये शायद 80 रियाल की थी। कुछ बर्तनों की डिफरेंट प्राइस थी। ये भी 5-5 रियाल की प्लेटें थी, एक प्लेट 5 रियाल की थी। मुझे ये ब्लैक डिनर सेट बहुत प्यारा लगा, इसमें हर साइज़ की प्लेट थी। ये आई थिंक 56 की थी, 46 की थी। ये तो फ्राई पैन पकड़ने में हल्का बहुत था, लेकिन इसकी प्राइस का नहीं लिखा हुआ कितने इसकी प्राइस थी। ये 80 रियाल का था एक, अगर हम भरी लेंगे तो वो ज़रा उसकी और प्राइस थी। ये भी 5 रियाल की थी। ये बेकिंग का था, मुझे तो बेकिंग करना बहुत पसंद है, मुझे बहुत क्रेज़ है बेकिंग का, तो यहाँ से मैं कुछ बेकिंग का सामान लेके जाऊंगी। हर शेप में था यहाँ पे। ये किचन्स के आ गया चम्मच सारे, कुछ 6 का पैक था, कुछ 3 थे, सब 5-5 रियाल के थे। ये चॉकलेट मेल्ट करके जो आजकल बहुत चल रहा है चॉकलेट बनानी, हर शेप में ये भी थी। ये वुडन स्पून्स थे 5 रियाल के। ये बेकिंग का सारा सामान है, बेकिंग के सारे टूल्स हैं। और यहाँ पे एक मुझे यूनिक सी चीज़ ये लगी, प्रेशर कुकर की जो सीटियाँ होती हैं वो भी, और उसके हैंडल्स भी हैं वो भी यहाँ पे मैंने देखे हैं। अगर किसी का प्रेशर कुकर ख़राब है वो यहाँ से ले ले उसकी चीज़ें। ये बच्चों के कलर्स, ये सब 5-5 रियाल के थे। ये बुक्स हो गई, डायरीज, ये पेंसिल का पैक था, ये भी 5 रियाल का। मार्कर्स, ग्लिटर, सब कुछ 5 रियाल का। ये बस लंच बॉक्स थे, ये 11 रियाल के थे। इसमें एक दो चीज़ें 11 रियाल की थी, बाकी ये 5 के थे। और ये टॉयस से ये जो ये लगे हुए ये भी 5 के थे। इसमें कुछ थे जिनकी अलग प्राइस थी। यहाँ पे अब आए भी हैं, 75 रियाल के 22 है यहाँ पे। ये डिस्काउंट पे लगे हुए थे, स्पेशल इनकी ऑफर थी,
ये रोटी मेकर 93 रियाल का। अगर हम ये जूसर लेंगे इसके साथ हमें कैटल एक मिलेगी। ये शैम्पूज भी 5 रियाल के थे। पैंटीन हो गया, हल्डर शोल्डर हो गया, सब 5 रियाल के थे। ये ट्रस्मी था 11 रियाल का। पेस्ट हो गई, ये बच्चों के शैम्पू, ये सब 5 रियाल के थे। यहाँ पे इतना बड़ा मॉल था, समझ ही नहीं आ रहा था क्या दिखाएं, ख़त्म ही नहीं हो रहा था। ये लिपस्टिक्स थी तो ज़रा ये चेक की, ये 11 रियाल की थी। ये मैंने बाहर पता की थी, वहाँ पे ये 3 रियाल की थी, यहाँ पे ये बहुत महंगी 11 रियाल की थी। लिपस्टिक, लिप बाम भी इसको कहेंगे। ये बेबीज़ के सारी है, पाउडर शैम्पू, ये भी 5 रियाल के थे। ये ऑयल हो गया हमारा, ऑयल भी 5 के थे। ये कलर 11 रियाल का था, गार्नियर का। ये मेहंदी, मेहंदी की प्राइस नहीं लिखी हुई थी, ये भी शायद 5 रियाल की होगी। ये तेल है सारे, ये भी सारे 5 रियाल के ही हैं। ये फेस वॉश है और ये परफ्यूम्स हैं, ये भी 5 रियाल के ही हैं। और ये साबुन आ गया, अब ये एक पैक में 6 है, ये 5 रियाल का है। अगर हम लक्स का लेंगे वो 3 है, वो 5 रियाल के आएंगे, 3 है। और अगर हम एक डव का लेंगे वो हमें पड़ेगा बड़ा वाला, वो हमें 5 रियाल का पड़ेगा एक। अगर वही डिटॉल का हम लेंगे 3 छोटे तो वो हमें 5 रियाल के पड़ेंगे। जैसे मक्का में किसी ने अपनी फैमिली को बुलाना है तो वो यहाँ से रिजनेबल प्राइस में सारी शॉपिंग कर सकते हैं। ये फिशल का सारा सामान हो गया, ये भी एक जो इसका वो था वो 5 रियाल का था। अगर हम एक डब्बा लेते हैं, एक इसका बॉक्स लेते हैं तो 5 रियाल का हमें पड़ रहा था। ये साबुनदानियाँ एक पैकेट में 4 थी, ये भी 5 रियाल की हैं। ये सरफ हो गया, एलोवेरा जेल, ये डिटॉल, ओनेविया डव, ये क्रीम्स हैं, ये भी 5 रियाल की, लोशन भी 5 रियाल का ही। ये वैसलीन भी 5 रियाल की है। ओनेविया आई थिंक 18 के 17 रियाल की थी। जितनी भी चीज़ें हैं यहाँ पे ज़्यादातर 5 रियाल की हैं, बस कुछ चीज़ें हैं जिनकी अलग प्राइस है, जो ज़्यादा जैसे बर्तन की पतीलियाँ हो गई उनके अलग प्राइस है। ये बॉटल्स हो गई, ये भी 5 रियाल की हैं। जैसे ये पतीली है इसकी प्राइस अलग है, बाकियों की 5 या 11 रियाल ही है। लेकिन अच्छा मॉल है ये, किसी ने शॉपिंग करनी हो तो यहाँ पे आ सकते हैं शॉपिंग करने। ये 40 रियाल का था, इसकी टिफ़िन बॉक्स की रेट ही नहीं लिखा हुआ था, ये लिखा हुआ है तो क्या था रेट इसका। स्टील के भी बहुत बर्तन थे यहाँ पे, ये सारा बेकिंग का टूल सामान। तो अब ये तवे आ गए हैं, इनकी अलग ही प्राइस है सबकी, इनकी अलग अलग रेट्स है। तो उम्मीद है आप सबको मेरा व्लॉग पसंद आया होगा, और आप मुझे बताइएगा आपको मेरा व्लॉग कैसा लगा है। और मैं मक्का में जितनी भी मार्केट्स हैं सबके विज़िट करूँगी रिजनेबल प्राइस में, जितनी भी मार्केट्स हैं। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, अल्लाह हाफिज़।